अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम गौहर वाकफियत आमा अव्वल जमात के बाप पंजम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इबादतगाहें। तो चलिए चलते हैं सफ़ा नंबर 25, 26 और 27 पर। इबादतगाहें, ये ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाई है, इसने सूरज चांद और सितारे बनाए हैं, इसने ये कायनात बनाई है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तमाम लोगों को अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। मस्जिद, हमारा मज़हब इस्लाम है, हम मस्जिद में इबादत करते हैं, वहाँ नमाज़ें पढ़ते हैं, हमारी मुक़दस किताब का नाम कुरान मजीद है। गिरजा, एक और मज़हब ईसाइत है, इसके पैरोकार ईसाई कहलाते हैं और गिरजे में इबादत करते हैं, इनकी मुक़दस किताब इंजील है। गुरुद्वारा, सुखमत के पैरोकार सिख कहलाते हैं, वो गुरुद्वारे में इबादत करते हैं, इनकी मुकद्दस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। मंदिर, हिंदू मत के पैरोकार हिंदू कहलाते हैं, वो मंदिर में पूजा करते हैं, इनकी मुकद्दस किताबें भगवद गीता और वेद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, हमें तमाम मज़हब का एहतराम करना चाहिए, किसी मज़हब को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। आपके सामने कुछ तस्वीर हैं, यानी कि वो इबादत गाहें हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको इन इबादत गाहों के नाम पता हैं या नहीं। सबसे पहली तस्वीर, क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या नाम है? बिल्कुल, इसका नाम है मंदिर। और दूसरी तस्वीर, ये कौन सी इबादत गाह है? ये है गुरुद्वारा। और तीसरी तस्वीर, इसको कहते हैं, बिल्कुल ठीक जवाब, गिरजा। और आखिर में जो तस्वीर दी गई है, इसका तो हम सबको पता है, ये है मस्जिद। प्यारे बच्चों, अभी हमने मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि उनकी इबादत गाहें कौन सी हैं। अब मेरे पास कुछ सवालात हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपको इनके जवाब आते हैं या नहीं। सबसे पहला सवाल ये है कि गिरजा किस मज़हब की इबादत गाह है? शाबाश, ईसाइयों की। अगला सवाल है कि सिख किस इबादतगाह में इबादत करते हैं, क्या आपको उसका नाम आता है? शाबाश, गुरुद्वारा। मेरा आखिरी सवाल है कि हिंदू किस इबादतगाह में इबादत करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक जवाब है, मंदिर में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।